हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एचएससी बोर्ड के 21 फरवरी के इंग्लिश के पेपर के बारे में। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कहां से आएंगे, सिमिलर टाइप क्वेश्चंस क्या होंगे, क्या फॉर्मेट होगा, कितने क्वेश्चंस इस साल बढ़ने वाले, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होने वाले, लीक क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। और अगर आपको वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि सारे पेपर को कवर करना है, ठीक है, तो आप 2x स्पीड पे चला सकते हो। और ये क्वेश्चन सारे कहां पे मिलेंगे आपको, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक मैंने डाल दी है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीक होंगे एग्जाम के पहले दिन तक, ठीक है, वो सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपको एक प्रॉमिस करना है। कमेंट सेक्शन में आपको आपके टारगेट परसेंटेज मुझे बताने हैं कि भैया मेरे 75% में इस साल टारगेट कर रहा हूँ, 92% में इस साल टारगेट कर रहा हूँ, 50% टारगेट कर रहा हूँ, जो भी होगा ऑनेस्टी के साथ अपने दिल पे हाथ रख के आपको बताना है मुझे। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपका कमेंट मुझे दिख पाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो आता है वो है सीन पैसेजेस का। पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, उसके बाद आप अंदर घुसेंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका सीन पैसेजेस का। सीन पैसेजेस में आपको फ्री मार्क्स कहां पे मिलेंगी, यहां पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, पर्सनल रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, कुछ भी लिख के आओ लेकिन लिख के आना है। कुछ भी मतलब कुछ भी मत लिखना, लेकिन आपको थोड़ा बहुत रिलेटेड अगर लिख दोगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने गलत भी लिखा तो भी 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आपने वो रिलेटिव होता है, वो हर एक इंसान के लिए बदलता है पर्सनल रिस्पॉन्स। तो एग्जामिनर चेक करते हुए आपको एटलीस्ट 1 मार्क तो दे ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स तो आपके फ्रीली मिल जाने वाले अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिख लिया तो पर्सनल रिस्पॉन्स, ठीक है। कितने 12 में से आपको 2 मार्क्स तो फ्रीली मिल गए, बाकी तो आपकी स्किल के ऊपर है, ठीक है। पूरा पेपर तो फ्रीली नहीं मिल सकता है ना, सिंपल सी बात है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज स्टडी में पहला आएगा आपका डू एज डायरेक्टर। डू एज डायरेक्टर में आपका क्या आएगा, सेंटेंसेस दिए रहेंगे आपको, आपको बोलेंगे एक्टिव का पैसिव करो, पैसिव का एक्टिव करो, टेंस चेंज करो, ये करो वो करो, वो सब चीजें आएंगी। कौन से क्वेश्चन आने वाले, सब चीजें बताने वालों रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में जो भी एरर है, टेंस एरर है आपका, फुल स्टॉप नहीं है, एपोस्ट्रॉफ नहीं है, जो भी है वो आपको डालना रहेगा। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा दिखाने वालों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में भी आपके 2 मार्क्स फ्री है, ठीक है, कौन से, पर्सनल रिस्पॉन्स के, ठीक है। 4 मार्क्स तो आपके फ्री हो गए, इसमें आपने स्किल यूज करनी है आपको खुद की, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ये 3 मार्क्स जो है ये फ्री मार्क्स है आपके, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स भी लिख देता हूं और ये भी 3 मार्क्स आपके फ्री लिए। क्वेश्चन क्या है, समरी ऑफ द एक्सट्रैक्ट। समरी लिखनी है आपको, क्या दिया रहेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स दिए रहेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा क्रो एंड फॉक्स की जो स्टोरी सुनी होगी आपने, ठीक है। ऊपर क्रो बैठा रहता है, नीचे फॉक्स रहता है, ठीक है, उनकी एक छोटी सी स्टोरी रहती है, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको स्टोरी लिखनी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, जैसे कि 1 crow 1 fox, क्रो इज लुकिंग डाउन, फ्रॉग फॉक्स इज लुकिंग अपसाइड, ऐसे करके कुछ रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ स्टोरी बनानी रहेगी, पॉइंट्स दिए रहेंगे, स्टोरी बनानी रहेगी, ठीक है। तो वहां पे 3 मार्क्स पकड़ के आपके फ्रीली मिल जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी बना लिया तो, ठीक है। माइंड मैपिंग में क्या होता है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, आपको उस पर डायग्राम निकाल के आपको सिर्फ जो फ्लो चार्ट्स वगैरह होता है उस प्रकार से निकालना है। जैसे कि अगर आप एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सपोज ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना रहेगा, एक गोला करना रहेगा, उसके बाद ऐसे एरोज यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, इस प्रकार से आपको पूरा माइंड मैप निकालना रहेगा, राइट। या फिर आप फ्लो चार्ट निकाल सकते हो कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ डायरेक्शन चार्ट्स निकाल सकते हो आप, तो आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है उस प्रकार से आपको चीजें करनी है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, फ्रीली मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये 3 मार्क्स में फोकट में कंसीडर कर रहा हूं। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो 2 to 4, 4 और 6 कितने हुए आपके, 10 मार्क्स तो आपके फ्री में मिल गए आपको, क्लियर है। आपके सामने मैंने आपको प्रूव करके दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, रुक जाओ, क्वेश्चन क्या आएंगे वही जानना है ना, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका पोएट्री रहेगा। पोएट्री में क्या रहेगा आपका, इसमें भी आपको यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स का पूछ लेते हैं, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे आपको, ये आना चाहिए, बहुत आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में क्या रहेगा आपको, पोएम दी रहेगी, उसके ऊपर आपको एक सारांश लिखना है, जैसे कि आप स्टोरी लिखनी है बेसिकली, ठीक है। तो ये मार्क्स भी आपके 4 मार्क्स तो मैं फ्रीली कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पोएट्री में आपके कितने मार्क्स फ्री हो गए, 2 और 4, 6 मार्क्स आपके पोएट्री में, क्वेश्चन 3 में आपके फ्री मार्क्स हो गए, जो आपको आपने लिख के आया ना, कुछ पेपर रगड़ के आया ना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 3 आता है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में सारे मार्क्स फ्री है, 16 के 16 मार्क्स आपको फ्री मार्क्स से, 16 में से आपने लिख के आया ना पेपर, मैं गारंटी देता हूँ 12-13 मार्क्स तो आप लिख के आओगे, ठीक है। इसमें से कौन कौन से पिक करने चाहिए, मैं आपको मेरा पर्सनल रिस्पॉन्स बताता हूँ मैं आपको, आप आपका चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन 4 के 1 की बात करूं, तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन करूंगा
ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है, क्योंकि मुझे ग्रुप डिस्कशन लिखना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। आपके लिए अगर वर्चुअल मैसेज रहेगा तो वर्चुअल मैसेज लिखो, ठीक है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, भर भर के लिख सकते हैं, एक डायलॉग लिखा उसके नीचे एक लाइन छोड़ी, फिर दूसरा डायलॉग लिखा दूसरी लाइन छोड़ी, तो जल्दी से पेपर भर जाता है। मैं इस साइकोलॉजी का इंसान हूं तो मुझे वो आसान लगता। तो चार मार्क्स आपके यहाँ पे फ्री हो गए। ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू, इसमें क्या लिखोगे आप? ईमेल क्यों लिखना है, इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। अगर ईमेल है आपका, ठीक है, ईमेल अगर आप लिखते हो तो पहले बॉडी को लिखने को आपको दो मार्क्स मिल जाते हैं, और आपकी जो सब्जेक्ट और ऊपर का जो टू और ये किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, उसके लिए आपको दो मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपके दो मार्क्स तो ये पक्के होते हैं, आपको फॉर्मेट पता होता है कि किसको भेजना है, ये कहाँ पे लिखते हैं। नॉर्मल ईमेल आप ओपन करोगे वहां पे आपको चीजें दिख जाएगी, बॉडी में कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, तो चार में से तीन मार्क्स तो आपके यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ईमेल में आपके चार मार्क्स फिक्स हो गए। नेक्स्ट सी क्वेश्चन है आपका स्पीच कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, इसमें आप क्या लिख सकते हो? स्पीच लिख सकते हो, स्पीच आसान है, भर भर के आप फेंक सकते हो, जो भी आपको चीजें ऐसे में जैसे लिखते हो ना वैसे प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों को आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा जाता, आपने कितना लिखा है कितने अच्छे वर्ड्स डाले यही देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका रिव्यू, ब्लॉग और अपील, आप मेरे हिसाब से रिव्यू लिख सकते हो, ठीक है, मूवी और किसी चीज का रिव्यू रहेगा आपको रिव्यू लिखना है मेरे हिसाब से, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो ब्लॉग लिख सकते हो, लेकिन ये चार ये जो 16 मार्क्स है ना ये फ्री मार्क्स है आपके, ये पूरे के पूरे फ्री मार्क्स है, ठीक है। तो सेक्शन 3 में आपके 16 मार्क्स फ्री हो गए। कितने मार्क्स अभी तक हमने फ्री जुटाए देख लो, क्वेश्चन 1 की अगर बात करूं ठीक है तो 10 मार्क्स हमने जुटाए, ठीक है, 1 और 2 की मिला के। क्वेश्चन सेकंड में हमने 6 मार्क्स, 16 और 16, 32 मार्क्स तो अभी तक हमने जमा लिए, ठीक है, आसानी से, बहुत आसानी से। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 4 जिसमें आपका नोवेल आता है बेसिकली, ठीक है। नोवेल में क्या होता है देखते हैं, ठीक है, अगर बात करूं ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन होता है आपका MCQs, ठीक है, MCQs मैच द कॉलम्स, ये आपको कहाँ से करने हैं कैसे करनी है मेरी बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप HSC बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो महाराष्ट्र के हर जगह पे आपको वो पेपर खत्म होते होते आपको MCQ MSQs तो पता लग ही जाते कहीं ना कहीं से, ठीक है, मैच द फॉलोइंग वगैरह ये हो जाता है, मुझे पता है, रियलिटी पता है मुझे, ठीक है। तो इसका ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है, MCQs वगैरह इसमें आपको 4 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ मिल जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े चलना है कि मैंने आपको बोल दिया तो मिल जाएंगे तो हमेशा मिल ही जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ सेंटर्स में मैंने देखा है कि डिस्कशन में निकल जाते हो वहाँ ये क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको खुद से लिखने क्वेश्चन, ठीक है, एक्सप्लेन करना रहेगा, डिस्क्राइब करने रहेगा, कंपेयर करने रहेगा, कॉन्ट्रास्ट करने रहेगा, ठीक है, डिस्कशन लिखना पड़ेगा आपको बेसिकली। नॉवेल में तो आपका कुछ ऐसा सच बचता नहीं है जो आप फ्रीली निकाल सकते हो, लेकिन आप आराम से MCQs तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो कितने हो गए MCQ 4 मार्क्स के, तो ऐसे हमने 40 मार्क्स का पेपर फ्री निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया पेपर, अभी पेपर कैसे आएगा, कौन सा पेपर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको ये पेपर की PDF कहाँ पे मिलेगी, एप्लीकेशन पे मिलेगी, ठीक है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, बिल्कुल फ्री है, एक रुपया पे करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ये जो क्वेश्चंस मैं अभी बताऊंगा आपको उसी के जैसे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक मैंने लिंक डाली है गूगल फॉर्म की, वहां से आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको वो गूगल फॉर्म पे भरना है, उसके बाद आपको मेल पे आ जाएंगी सारी PDFs, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, लेकिन जो भी एग्जाम के पहले क्वेश्चन लीक होंगे वो क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। ये जो पेपर है, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं ये आप जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैं जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ पेपर को, लेकिन आप ये पेपर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन के लिंक डाल दिए, वहां पे आपको ये पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है। पूरे पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आ ही जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, रिव्यू लिखना है आपको, ब्लॉग लिखना है, अपील लिखनी है, कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए है, ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, इस PDF को आपको जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कर लेना है, डिलीट हो जाएगी नहीं तो ये PDF, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछा है, जो आपको मतलब आने की प्रोबेबिलिटी है इस प्रकार से कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो PDF है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने वर्चुअल मैसेज का एक एग्जांपल दिया है, तो वर्चुअल मैसेज आपको किस प्रकार से लिखना होगा, तो इस पेपर को जरूर डाउनलोड कर लेना, इस पेपर की PDF मैंने ऐप में डाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मतलब कल मैं क्या डालने वाला हूँ, आपको एक एग्जैक्ट पेपर दिखाने वाला हूँ जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन जो कल का पेपर रहेगा उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ
इस प्रकार से एज इट इज सिमिलर टाइप पेपर आपका आने वाला है, ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको फ्री मार्क्स बता दिए, 40 मार्क्स आपके फ्रीली आने वाली है, सिर्फ आपको ये चीजें करनी है, ये क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी, जरूर डाउनलोड कर लेना। अगर आपने ये पीडीएफ डाउनलोड कर ली और ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं आप स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। तो आपके दोस्तों के साथ इस पीडीएफ को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, आपने आप पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। कुछ भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप पे पूछो, वो जो 200 क्वेश्चन की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट है वो आपको डाउनलोड करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्म भर देना है, एनरोल कर देना है, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर वो शीट मिल जाएगी। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो सबसे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो सिर्फ लिमिटेड पीपल्स के लिए हम देने वाले हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों को हमने अभी तक सप्लाई किए हैं, तो प्लीज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है वहां से आप एनरोल कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर, थैंक यू।